यू कैन सी मी, यू कैन सी मी प्रॉपरली? Okay, हेलो, we are now. Okay, we are कैन now. Yeah. यू सी मी, कैन यू सी मी प्रॉपरली? Yeah, Bela ji, we are live now. ओके, हाँ, Good evening, friends. A very warm welcome to all the viewers on the Karma Foundation Facebook page. Today, Karma Foundation presents an inspiring session, Wings of Women, with three strongly empowered women. I am Pinky Ballard, advisor of Sahara Initiative. Extremely great to moderate this session today. Today we have three respective and honored guests with us. First, I would like to introduce all of them. Dr. Tanu Jain, Assistant Director in Ministry of Defence, New Delhi. Tanu ji will join us very shortly. Miss Bela Acharya, former pilot of Indian Airlines. Welcome, Bela ji. A very big pleasure to थैंक यू। Miss Rishika Raka, Municipal Corporator of Bhiwandi and National Joint Secretary of All India Youth Congress. Welcome, Rishika ji. A very big pleasure to have थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तनु जी हमको थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। आप तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज हम आपसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और बहुत सारे इंस्पिरेशन भी लेने वाले हैं। अभी हाल ही में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था दुनिया भर में, लेकिन मेरा मानना है कि हर दिन वुमेन्स डे होता है। एक दिन भी औरत के बिना परिवार और समाज और घर की कल्पना करना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक औरत अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा अपने परिवार, बच्चों और सामाजिक व्यवहार में समर्पित कर देती है। हालांकि होम मेकर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई आसान जॉब नहीं, इट इज द परफेक्ट जॉब। हमारी दादी और नानी भी होम मेकर हुआ करती थी एंड दे आर वेरी मल्टी टैलेंटेड वुमन एंड सुपर वुमन। लेकिन आज के बदलते दौर में महिलाओं को घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, चिकित्सा हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर दिया है इन्होंने। तो आज हम आपकी बातचीत करके आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और बहुत सारी प्रेरणा लेंगे आपसे। बेला जी, हम आपसे शुरू करते हैं। बेला जी, ओके आज से लगभग 32 साल पहले जब एक औरत कार चलाती थी तब भी अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस वक्त आपने पायलट बनना अपना करियर चुना। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पायलट दैट टाइम? वो थोड़ा हमारे साथ यहाँ पे शेयर कीजिए अपनी जर्नी प्लीज। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सी, आई वाज बोर्न एंड हैव ब्रॉट अप इन मथुरा, बट माय ड्रीम्स आर वेरी हाई। वी वर जॉइंट फैमिली एंड वी वर स्टेइंग टुगेदर इन अ बिग हवेली। माय ग्रैंडफादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम ही ऑलवेज गिव अस टू चेज आवर ड्रीम, यू नो। ही नेवर स्टॉप अस टू डू एनी टू कैन डू एनीथिंग, यू नो। सो ही बट ही वॉज मोर इन टू एजुकेशन। वन हैज टू बी एजुकेटेड इन आर फैमिली बिकॉज आई हैव डॉक्टर्स, आई हैव दिस इंजीनियर्स, एंड दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। दे आर बेस्ड इन कैनाडा एंड यूएस, मैनी प्लेसेज लाइक दिस। सो दे यूज टू माई फादर एंड ग्रैंड फादर, दे यूज टू गो टू यूएस एंड कैनेडा मैनी अर टाइम्स, जर्मनी ऑल्सो। सो मथुरा में देर वॉज नो एयरपोर्ट, सो आई यूज टू गो विद देम टू डेली जस्ट टू ड्रॉप देम। पहले तो अलाउड था टर्मिनल में जाना, अभी नहीं है। तो आई यूज टू गो इनसाइड एंड आई यूज टू सी दीज लुफ्थांसा एयरलाइंस के एयर हॉस्टेस एंड पायलट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट, यू नो। आई टोल्ड माई फादर इवन आई वॉन्ट टू फ्लाई, बट दिस वॉज इन मथुरा। आफ्टर सम टाइम वी केम टू अहमदाबाद
and we shifted to Ahmedabad. So suddenly I was soaring, my dreams were soaring high. As I landed in Ahmedabad, I saw, while taxiing, I saw one flying club in Ahmedabad. So I made it a point that I'll go there tomorrow. And I reached there tomorrow. The next day I reached there. So I was just 18 years old. You know, your blood is always boiling that time. So I just took my car and I was driving in a high speed. So my instructor, he saw me and he just do like this, just stop there. He was thinking that she's going to bang on hangar's doors. And then I got down and I asked him, ki, I want to join. First, I told him I want to become an air hostess. So he said, no, you can't. This is not the academy. You have to go in selected academy. So I said, okay, I'll do flying. We civilians and these armed forces are different. But as a civilian, I was talking to him. So he told me, you just stand near your car and be there. 1 hour I was standing and it was afternoon and Ahmedabad, very hot weather. I was there. But then after some time, I saw they all are moving to their home. They are going, flying club was closed. So I was feeling very bad, Carrie, what is happening? Anyway, next day, I came to flying club and it was 6 o'clock in the morning. But without knowing anything, I got the another car. I was not knowing which car I taken yesterday. So he thought she's a spoiled child. 1 week, he made me stand just like that. And I was so irritated, but then also patiently I was waiting. He'll call me one day. So after 7 days, he called me inside and he told me, what do you want to do? I said, I want to become a pilot. In between, I spoke to my father. I told him everything. And he said, no need to become an air hostess. You become a pilot. So I told him, I said, I want to become a pilot. So he said, first you decide. First you said you want to become an air hostess. Now you are saying you want to become a pilot. No, I said, no, it's, I want to become a pilot. So your journey started there. Yes, my journey started, but I had a lot of problem because he was trying my patience. In flying, you need a lot of patience and discipline. That is the two most thing you have to. So he got me after 1 year. He understood, she's serious about the this flying. We were about 15 students, but last May there was only 4-5 tigers there. So we were two girls and 2-3 boys that time. Okay. Yes, thank you for sharing this. अभी चलते हैं ऋषिका जी के पास. ऋषिका जी, आप भिवंडी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के पद पे काम कर रही हैं और साथ ही साथ आप इंडियन यूथ कांग्रेस की नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं. इतनी छोटी उम्र में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए ये पब्लिक सर्विसेज, पॉलिटिकल जर्नी, इन सब की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको और किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई है? थैंक यू सो मच पिंकी जी. सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कर्मा फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए. देला जी यहाँ बैठी है, डेफिनेटली उन्होंने जिस समय में अचीवमेंट्स किए हैं वो बहुत बड़ी बात है. उनके अनुसार आज के जमाने में जहाँ मैं बैठी हूँ, डेफिनेटली इज अ मच इजियर प्लेस टू बी. Like we know, the world is moving on faster. There are more opportunities available and there is a little more respect for women and space available for women. Dr. Tanu has also joined us and definitely her story is something I am very eager to know. But to Thank just you so much. Tell everybody. We are waiting for you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Rishika. Hi, Dr. Tanu. Thank you so much. Sorry to join too late.
No worries, no worries. So just to go very quickly over my journey, it's not been very long. 23 साल की उम्र में मैंने नगर सेविका का इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया था विद फुल थ्रॉटल सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी अराउंड मी एंड आई थिंक दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर मी. भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली से एक अच्छी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट है हमेशा मेरे एजुकेशन में एक्सेट्रा. दे हैव ऑलवेज पुश्ड मी फॉरवर्ड विद ओनली वन यू नो एक जो सीख छोड़ जाते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज ना मिल पा रही हो जो तुम्हें मिल रही है तुम उन्हें वो कैसे अपॉर्चुनिटीज दिला सकती हो इसलिए हम तुम्हें इतना बढ़ावा दे रहे हैं. सो दैट इज द वन थिंग दैट ऑलवेज स्टक बाय मी. आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी कॉल्ड भिवानी जो मुंबई के बस 50 किलोमीटर की दूरी पर है पर अनफॉर्चुनेटली इस सिटी ने अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं किया है. I was fortunate enough ki mujhe opportunities mil pahe to go to different cities and study and make a career for myself. Par main mere aas paas hamesha dekhti thi bachpan mein logo ke saath mein badi hu unhe wo opportunities nahi mil pa rahi to kahin na kahin mere andar wo hamesha khatka rehta tha ki main aisa kya kar sakti hu taki mere bhivandi vasiyon ko bhi main choti तो वो अपॉर्चुनिटीज पाऊं सो दैट दे आल्सो हैव अ फेयर चांस एट लाइफ एंड आई थिंक दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड. मैंने इलेक्शन की कैंपेनिंग की बहुत ही अलग दुनिया थी मेरे लिए. इट वाज लाइक अ बबल जो ब्रेक करके मैं बाहर आई थी. यू नो 100-100 स्क्वायर फीट के घर में कैसे 12-12 लोग रहते हैं ये सब जब हमें देखने मिलता है तो सच में हमारी आंखें खुल जाती हैं. जो फिद्दी सी चीजें हैं जिन पर हम हमेशा करते रहते हैं ना हमें रियलाइज होता है दैट नन ऑफ दिस मैटर्स द वर्ल्ड आउट देयर. सो रियली दैट हैपेंड आई फॉर द इलेक्शन आई वाज आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी. आई एंडेड अप बीइंग द हाईएस्ट पर्सन वोटेड फॉर इन द एंटायर सिटी एंड आल्सो द यंगेस्ट वन ऑफ इन द कंट्री. And the journey continues. It's been 3.5 years now. I have 1.5 year more remaining. And I'm hoping I've done enough to continue these blessings that have been showered on me. आज हमें बहुत ज्यादा खुशी है आप तीनों को यहाँ पे एक स्क्रीन में साथ में देख के. तीनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत ही छोटी उम्र से शुरू करी है तीनों ने अपनी जर्नी. एंड ऋषिका जी के लिए मैं आपको बताऊं इन्होंने अब तक की इंडिया की सबसे यंगेस्ट कॉर्पोरेटर के इलेक्ट हुई है और यंगेस्ट मेयर के लिए ये नॉमिनेट हुई है इंडिया की सबसे यंगेस्ट मेयर के लिए. वाओ दैट्स रियली कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. ये कैसा लगा ये एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए जब आपको नॉमिनेट किया गया था मेयर के लिए एंड यू वर वेरी यंगेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट. Yeah, yeah. So again, a very small story, small journey. 25 ki age par, I got the opportunity to become the official candidate from the Congress Party, Bhiwandi ka mayor banne ke liye. Bahut hi clean aur easy win tha. Technically, bahut jagahon pe celebrations shuru ho chuke the ki main mayor ban chuki hu. जो प्रोसीजर से मेयर बनाए जाते हैं उस प्रोसीजर के हिसाब से इट वाज अ क्लियर विन फॉर मी. बट वेलकम टू इंडिया वेलकम टू डेमोक्रेसी. हमारे यहाँ डर्टी पॉलिटिक्स बहुत खेला जाता है जिसकी एक विक्टिम मैं थी. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग जिसके कारण इवेंचुअली उस मेयर की पोजीशन पर पहुंचने में मैं 4 वोटों से पीछे रह गई. बट नॉनदलेस आई बिलीव दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. उस उम्र में जो मुझे देखने मिला और जो समझने मिला वो डेफिनेटली मुझे और बहुत आगे लेके जाने में बहुत बड़ा काम करेगा इसका मुझे you know I'm already realizing that so I'm very happy about that and definitely whether main us position pe baithi hu ya na hu logo ka jo pyar mere sath hai that is something nobody can take away so I'm very satisfied with that.
डेफिनेटली ऋषिका जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और जल्दी ही आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अभी तनु जी हमारे बीच में आ चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। वेलकम तनु जी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत सारी इंस्पिरेशन लेने वाले हैं आपसे भी। थैंक यू सो मच मिसेस सिंधु। तनु जी, आप मेडिकल फील्ड में थी। डेफिनेटली और आपने अपनी जर्नी सिविल सर्विसेज की तरफ किस तरह से स्टार्ट की, मेडिकल फील्ड से इस तरफ का कैसे रुख किया आपने, ये यहाँ से हमें अपनी जर्नी बताइए। जनरली मेडिकल अपने आप में बहुत ही नोबल प्रोफेशन एम आई या यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, सो जर्नी स्टार्ट्स लाइक मेडिकल अपने आप में बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। आई वाज अ डेंटिस्ट, बट एक कहीं ना कहीं एक जील थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसा जो कि ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करे। सिर्फ अपने क्लिनिक के अंदर 9 to 5 बैठ के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुबह मॉर्निंग में एक बार और एक बार इवनिंग में बैठ के, उतना मुझे जैसे कहते हैं किक नहीं आ रहा था लाइफ में कि कुछ और करने की और इच्छा थी अभी, और एक थोड़ा सा हंगर भी था नॉलेज के प्रति कि इतना सब कुछ होता है देश दुनिया के अंदर और वो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है somehow। So, वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई स्टार्टेड गिविंग, मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में एक फ्रेंड ने बताया, वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई और फिर सिविल सर्विसेज में एंटर कर गए। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा तनु जी, सिविल सर्विसेज के लिए किस तरह की प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है कंपटीशन एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए? सिविल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत ही टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और टफेस्ट इसलिए क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम है, जो स्कोप है, वो बहुत बड़ा है। इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज। सो आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एनवायरमेंट पढ़ना है, आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर भी सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है, एंशियंट पढ़नी है, हिस्ट्री मिडिवल पढ़नी है, मॉडर्न पढ़नी है। सो इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम जिसके अंदर आपको पढ़ाई करनी होती है या जिसके अंदर आपको तैयारी करनी होती है। तो डेफिनेटली इसके लिए हार्डवर्क, तो मतलब मुझे लगता है जीवन में कुछ भी काम करने चलो तो आपको हार्डवर्क की जरूरत है, और डेडिकेशन भी सब में जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्लैरिटी की भी जरूरत है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इतना अताहा समुंदर है इंफॉर्मेशन का कि कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, कौन सी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जो परख है, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डेडिकेशन, हार्डवर्क के साथ साथ आई वुड से कि क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ओके, अभी हम आपसे और थोड़ी और बातचीत भी करेंगे तनु जी, पहले बेला जी से बात करते हैं। बेला जी, आपके ये पायलट की जर्नी में किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, किस तरह की मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है? सी, मेडिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब आपको अगर कोई स्टार्ट करनी है, आपकी फ्लाइंग स्टार्ट करनी है, इज बेटर कि आप पहले मेडिकल करवा लो अपना। इफ यू आर अनफिट देन यू कैन नॉट, यू विल जस्ट वेस्ट योर मनी। सो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी फिट, इन द सेंस यू डोंट हैव, आई मीन आई यू कांट हैव कलर ब्लाइंडनेस, एंड एक सर्टेन वेट होता है, यू हैव टू मेंटेन दैट वेट ऑल्सो, and at the same time you have to study a lot. There are 7 to 8 subjects, and just like a doctor you have to study. Doctor body ko padhta hai, yahan par pilot plane ko padhta hai ki how plane is like manufacturing uska kis tarah ka, because if you have seen cockpit pictures sometime you must have seen there are so many chote chote switches hote hain usme. So he does not have to see every time. We just with the hand, just how we do typing. So they have to do this. So
pilot has to study a lot. There are exams. You have to finish those exams. There are English exams. Your English has to be very perfect because when we are flying, so what happens, who's the other pilot on other aircraft? You don't know. When you communicate with each other, suppose they are coming in the same line and you communicate each other. If he is Russian, you will not understand his English because the English. So you have to pass English exam also. It's very important. Though it's a very, very expensive training, very expensive training. It comes around 1 crore to more than 1 crore now. And presence of mind, of course, they take so many tests of it. And presence of mind too, you have to, because there are so many problems happens when you are flying. So presence of mind is very important. So there are many exams for this. And you have to clear that exam. If you can't clear those exams, then you can, attempt second time, but not every time. Do attempt milte hain uske. And that's it. Like you really have to work hard. You really have to study just like a doctor. Okay. बेला जी, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग होने से लेके इंडियन एयरलाइंस में पोस्टिंग होने तक का आपका जो सफर था, उसमें किस किस तरह के स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े? क्योंकि अभी हम आप तीनों की जर्नी के स्ट्रगल्स भी सुनेंगे, ताकि हमारे को इंस्पिरेशन मिले कि जर्नी तो यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन आप पहुंचे किस तरह से है आगे। तो आप भी अपने स्ट्रगल्स I never had so much of a struggle except by the initial jo jahan par flying club mein hui thi first time, because he was polishing me ki you have to have patience, you have to have discipline, how to get discipline in yourself. So as a woman I never had so much of problem. Thoda job ka to chalta hi rehta hai. Us samay thi airlines mein nahi thi, I worked in East West airline also. Women are always welcome in this field, always. Only the problem is ki I was just 47 kgs that time, 47, very lean. So passenger used to get scared. Oh God, how she is going to fly? How we are going to go? Hamesha unko ye rehta tha, are ye ladki, ये छोटी सी लड़की, इतना बड़ा प्लेन, तो ये था. और डरते भी थे वो लोग काफी बार. एंड सपोज दे सी टू लेडी पायलट इन अ कॉकपिट, देन तो फिर तो उनकी जान निकलती थी कि नहीं नहीं, वी डोंट वांट टू गो विद देम. सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आप तीनों की कॉमन चीज है. ऋषिका जी का भी वही सेम एज है जो इन्फ्लुएंस उनके करियर में है, उनके आसपास के लोगों के बीच में. तनु जी भी जब अपने आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लेती, तब इनका भी इम्पैक्ट उसी तरह का रहता है. एंड आप भी अपने टाइम में वो सेम I was very young. मैंने 18 में I started when I was 18 years old. So I did my flying in Ahmedabad, then I went to Baroda also. So it was traveling and too much of study was really difficult for me in that time. And the interviews hote the. So kabhi kabhi aisa hota tha boys ko preference milta tha, girls ko nahi. But this field is not like that ki aap boy ko preference de rahe ho ki girl ko preference de. Whosoever is good. और जो भी टेस्ट होते हैं उसमें जो भी पास करता है उसको जॉब मिलता है. जी, ओके, थैंक यू. अभी तनु जी, अभी आप डिफेंस मिनिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे काम कर रही हैं, तो यहाँ तक का सफर जो आपका था, इसमें आपको किस तरह के कोई मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? चैलेंजेस जॉब से ज्यादा मुझे लगता है कि प्रिपरेशन टाइम पे होते हैं. जब आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है,
और अब पेरेंट्स को भी लगता है कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए. यू आर ऑलरेडी 24, 25 एंड देन यू डिसाइड टू गिव दिस एग्जाम सिविल सर्विसेज व्हिच इज सो अनप्रेडिक्टेबल, जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि सिलेक्शन इस साल होगा कि अगले साल होगा. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. हम इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना की तरह आपको इसको लेना पड़ता है, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ अटेम्प्ट यू माइट हैव टू गिव. सो वो एक स्ट्रगल रहता है जिसके अंदर आपको पेरेंट्स तो समझ जाते हैं बट रिलेटिव्स या उन सबको समझाना पड़ता है कि दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू एंड शादी और बाकी सारी जो चीजें हैं दे कैन वेट टिल आई हैव अचीव्ड माई ओन ड्रीम एंड आई हैव सेटल्ड माई सेल्फ. So, वो एक स्ट्रगल रहता है जिसके अंदर रहता है. उसके बाद जॉब में जनरली गवर्नमेंट जॉब के अंदर एवरीबडी इज वेरी सपोर्टिव. कुछ परसेप्शन आपको ब्रेक करने पड़ते हैं क्योंकि एक जनरल परसेप्शन रहता है कि फीमेल एम्प्लॉयज आर नॉट दैट एफिशिएंट. आई वुड से दे टेंड टू गो अर्ली कम लेट एंड दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So, उस परसेप्शन को आपको ब्रेक करना पड़ता है कंटिन्यूअसली ऑन अ डेली बेसिस. आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि यस मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम इन मी स्टेइंग बैक फॉर लॉन्ग आवर्स. जब तक मेरा काम है तब तक मैं रुकूंगी. तो वो एक परसेप्शन जो है वो मुझे लगता है कि हम सबको एज अ गर्ल एज अ एम्पावर्ड वुमेन उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शायद कुछ बैड एग्जाम्पल्स भी सेट हैं उसको कहीं ना कहीं. ये जब हम इक्वल पावर मांग रहे हैं तो हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी. यस, हमेशा जनरली ये नजरिया रहता है औरतों के प्रति कि शायद उनकी वर्क एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती होगी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते हुए. लेकिन तनु जी, मैंने जिस तरह आपके सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, मुझे लग रहा है कि आज आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ यहाँ पे. मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला. जी थैंक यू सो मच. देख के एक फ्रेम में जिन महिलाओं ने अपनी जर्नी शुरू की है घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ, आज कहना चाहिए ना देश की हर हर व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था बोलिए, प्रशासन तंत्र बोलिए, सुरक्षा तंत्र बोलिए, हर फील्ड में कहीं पे भी पीछे नहीं है औरतें. तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है. कैसा अपनी जर्नी में इतना हार्ड वर्क परसिस्टेंटली करते करते ऐसा कभी कोई मोमेंट आता है कि इतना कुछ कर रहे हैं कहीं क्विट कर दे बीच में, कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है ऐसा? नहीं, क्विट करने वाला तो नहीं आता, टचवुड अभी तक तो नहीं आया. लेकिन हाँ ये जरूर रहता है कि कभी कभी फटीग के मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास हैं, आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके खुद के ड्रीम्स हैं जो आपके आपको लगता है कि हाँ मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है या मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये किताब लिखनी है या मुझे इस तरीके का कुछ मेरे दिमाग में कविता है उसे लिखना है, व्हाटएवर. छोटी छोटी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल ड्रीम्स, बट चाहे सिंपल पेंटिंग बनाने का ये ड्रीम है. तो वो जो ये सारी चीजें होती हैं कई बार समय नहीं मिल पाता उनके लिए, तो थोड़ा सा एक बॉग डाउन वाली फीलिंग कभी कभी आती है, कभी कभी फटीग आता है. लेकिन वो मुझे लगता है वो अपने आप ही ओवरकम हो जाता है. वो एक घंटे दो घंटे की बात होती है, फिर लगता है कि अरे जो बहुत कुछ करा है जीवन में आगे भी और करेंगे, तो हार के तो कुछ होता ही नहीं है. सो यू कीप फाइटिंग, यू कीप सेटिंग न्यू गोल्स. कुछ जो आपको लगता है भाई ओवर एम्बिशियस हो गए तो चलो ठीक है, थोड़ा कट बैक करके थोड़े और रिन्यू करे जाए, रिव्यू करे जाए अपने गोल्स. सो बस यही यही रहता है मेनली. यस जी, लेट्स मूव टू ऋषिका जी. ऋषिका जी, इन पदों पे आपको काम करते हुए किसी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, कोई ऑब्स्टिकल? क्योंकि राजनीति में तो अच्छे बुरे दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको किसी तरह का कुछ फेस करना पड़ा? आई थिंक चैलेंजेस तो डेफिनेटली हर फील्ड में होते हैं, एंड इट्स अप टू यू ऑफ हाउ यू फेस दीज चैलेंजेस. एंड राजनीति पर तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का इतना नजदीकी एक्सपीरियंस रहता है या इतनी मूवीज और सीरियल्स उस पर बनते हैं कि हमें तो दिखता है कितना गंदा गटर राजनीति बना हुआ है.
But I think what's important is exactly what Tanuji was saying, is that every day hum khud ko bas ye yaad dilana chahte hain ki what is the bigger picture, what is the bigger reason that I am here. And I think once you keep reminding yourself that, it makes your journey a whole lot easier. Ab bahut chota sa example hai ki jaise aapne jo ye youngest ki baat batai, to obviously हमारी जो एक सभा है 90 नगर सेवकों की, वी आर 90 कॉर्पोरेटर्स एंड आउट ऑफ दैट ऑब्वियसली मैं यंगेस्ट हूँ, बट मेरे अलावा जितने भी है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम रादर आर यू नो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 7 टाइम 8 टाइम कॉर्पोरेटर्स. तो आप सोचिए उनकी एज क्या होगी. नॉट जस्ट माई फादर बट माई ग्रैंड फादर्स एजड पीपल आर सिटिंग इन द सेम हॉल विथ मी. एंड वो समय में जब आप खड़े होकर उनके व्यूज को अपोज करोगे या उन्होंने जो रीति इतने सालों से बना रखी है उसको आप अपोज करते हो, तो डेफिनेटली बहुत सा एक बैकलैश आपको दिखता है. एंड इट्स ऑब्वियस ऑल्सो बिकॉज बहुतों के मन में हमेशा एक रहता है कि एक छोटी सी बच्ची यू नो कहाँ से आ गई और इसको क्या मालूम है. पर बहुत बार हमारे पास काफी जेन्यून आइडियाज होती हैं. Just because there is so much more exposure that we have, we are more exposed to technology, we are more somehow interest ke karan, we are more related to world politics or what is happening in other countries, etc. To mere mein hamesha wo hoos rehti hai ki main kahin na kahin koi country se kuch dhoond kar badhiya sa yahan kaise la sakun wagaira. To definitely mujhe samay laga sabko ye realize karwane ke liye ki I am not just sitting here as one small girl. मेरे भी कुछ सजेशंस है, कुछ ओपिनियंस है और उन्हें भी उसी सीरियसनेस से सुना जाना चाहिए जैसे आप कोई 8 टाइम कॉर्पोरेटर की बात को सुनते हो. तो ऐसे सारे छोटे बड़े बहुत चैलेंजेस आते रहते हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू फाइंड द पीपल हु आर सपोर्टिंग यू. उनकी सपोर्ट को लेकर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, दैट इज व्हाट मेक्स द जर्नी मेमोरेबल एंड एंजॉयबल आई फील. करेक्ट. Yes, Rishika ji, that's very true. The municipal corporator के पद की क्या क्या basic responsibilities होती है वो थोड़ा आप बताइए. Oh, that's my favorite question because जब मैं भी चुनकर आई थी तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं स्कूल से कॉलेज से, मेरे प्रीवियस में कॉर्पोरेट में काम करती थी तो वो प्रीवियस जॉब से वगैरह, सबने मिलकर मेरे लिए एक बढ़िया सी पार्टी थ्रो की थी सेलिब्रेट करने के लिए. पर किसी को ये मालूम नहीं था कि मैं क्या बनकर आई हूँ, बस सेलिब्रेशन हो रहा था. तो दिस इज एक्चुअली वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो. एंड मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ जैसे मैं मोस्ट स्कूल्स में जाके बताती हूँ. बेसिकली आपकी जो एक वर्ग होता है, एक कक्षा होती है, उस कक्षा का एक मॉनिटर चूज किया जाता है जो आपके कक्षा को टीचर्स के सामने रिप्रेजेंट करता है. That is actually basically what a nagar sevak or a corporator is. मेरा एक वार्ड है, एक constituency है, वहां के लोगों ने मुझे वोट देकर मुझे चुना है ताकि मैं लोकल कॉरपोरेशन में जाकर उन्हें रिप्रेजेंट कर सकूं, उनकी तकलीफों को बता सकूं, सोल्यूशंस ढूंढ सकूं और बड़े बड़े काम उनके लिए कर सकूं. विद इन दिस वी ऑब्वियसली टॉक अबाउट 3 major things, सिविक development, infrastructural development and social development. These are the 3 major things that I believe a corporator must look for within the ward or the constituency. But then again, जैसे हमारे साथ यहाँ पर हमारे दूसरे guests हैं, उनके लिए बहुत सी books बनी हैं और बहुत सारा लंबा education होता है. Fortunately और unfortunately, political field में ऐसा कुछ है नहीं. ग्राउंड पे जाके आप जितना काम करो उतना आपका काम है और जितनी आप खुद की बाउंड्री बना लो उतनी आपकी बाउंड्री है. पर आपके क्लास का वो जो एक मॉनिटर है, उस मॉनिटर को आप शायद नगर सेवक बुला सकते हो. यस ऋषिका जी, थैंक यू सो मच. बेला जी, आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ पायलट, जब आप पहली बार इतने सारे पैसेंजर्स को लेके उन सबकी जिम्मेदारी को लेके आपने फ्लाइट फ्लाई किया, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग थोड़े नर्वस थे क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड उसमें काफी सारे लोग थे जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि
women pilot. They always see male pilots. They could not digest this idea ki nahi nahi, it's not possible. But you know, वैसे तो पता नहीं चलता है कि cockpit में कौन बैठा है. But after takeoff, you announce कि this is your pilot, ये वो. That time they come to know. But उस समय तो हम 30,000 में पहुंच जाते हैं by that time. So we just sit back and relax. That is a thing. So see, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर ladies को कुछ problems हैं या कुछ हैं girls को. They are very comfortable. पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं सोच पाते हैं कि लड़की कैसे एक प्लेन चला सकती है. Whenever I drive my SUVs or something till today also, they you know वो इतने वैसे हो जाते हैं, आइए आइए मैडम, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, उधर लगाइए, इधर लगाइए, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए हो, यू नो लाइक दैट. तो अभी तक बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि लड़की बड़ी गाड़ी चला सकते है या एरोप्लेन चला सकते है. उनको जब पता चलता है तो दे रियली शॉक्ड, हाँ ऐसा भी होता है, आप लोग फ्लाई कर सकते हो. तो ये है कि थोड़ा पैनिक होते हैं लोग, बट नॉट नाउ. अपने अगर आप लोगों ने जोया अग्रवाल का सुना होगा, रिसेंटली शी क्रॉस्ड नॉर्थ पोल. जनरली हम लोग साउथ पोल से फ्लाई करते हैं, बट शी क्रॉस नॉर्थ पोल. उसके लिए उसको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी. हम सबको मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली कि हमारी लैंडिंग बहुत अच्छी हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, फेदर टच लैंडिंग हो. तो उन्होंने अभी नॉर्थ पोल का को क्रॉस किया एंड इट वॉज ऑल लेडी क्रू बोलते हैं, ऑल लेडी क्रू, नॉट अ सिंगल मेल. एंड इट वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया, इट वॉज फ्रॉम US टू बेंगलोर. So she was really appreciated everywhere. Now people are really appreciating. And पहले ऐसा था कि जल्दी से तैयार नहीं होते थे लोग कि अरे लड़की कहाँ जाएगी. And you know, like it's a male oriented place. वो जाके comfortable नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, अलग रहेगी, रात रात को बाहर रहेगी, next day आएगी. तो there are so many things. So I've seen like I have to make them understand कि ऐसा कुछ नहीं है. Let her go. So girls के लिए अभी भी थोड़ी problems हैं some area, but I've seen village में भी लोग कोई कोई इतना forward है कि वो लोग एकदम they send them कि okay go ahead. And educated लोग ऐसे भी हैं कि they say no. Girls को वो बिल्कुल मना कर देते हैं. So I want to tell everyone ki girls are better and you know they can do household work, as you said, they can do anything in any field. After this job I have done many things and I was successful in everything. Mere ko sab log bolte the ki are ye to aapka kaam nahi hai, startup fabrication. So जहां पर मैं सामान लेने जाती थी, मैं गलियों में जाती थी, वो लोग बोलते थे मैडम ये आपका काम नहीं है, ये तो लड़के करते हैं. तो मैं ये नहीं मानती कि ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है. एनीवन कैन डू एनीथिंग. आज आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है हमारे व्यूअर्स को. आज आपकी बात कर रही, आज के टाइम की बात करी कि बड़ी सी गाड़ी पार्क करनी है तो भी आज के टाइम में लड़कियों को स्पेस इस तरह से दिया जाता है कि हम मैडम पार्क कर लेंगे, हम पार्क कर लेंगे. और आज आपसे बात करें 32 साल पहले की जर्नी की, उस टाइम में पायलट होना और इतने पैसेंजर्स की जिम्मेदारी लेके फ्लाइट फ्लाई करना बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है. इस 15 इयर्स की जो आपकी जॉब थी इंडियन एयरलाइंस में, इस पूरी जर्नी में कभी आपके साथ भी ऐसा कोई मोमेंट इस तरह के कुछ आए कि आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस में कोई इमीडिएट डिसीजंस लेने पड़े, वैसा कुछ खास मोमेंट है तो आप बताइए. नॉट सो मच, बट या समटाइम्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑफ पावर लैंडिंग करनी होती है कभी कभी. So that we learn everything. We have to learn. So we do it. But yeah, it's risky. But ठीक है, डर
डर नहीं लगता है. आई नेवर गेट स्केर्ड. माई सन इज ऑल्सो पायलट नाउ. अभी कोविड की वजह से वो ही इज नॉट फ्लाइंग मच, क्योंकि इंडिगो ने जो भी उनके पुराने पायलट थे उनको प्रेफरेंस दिया हुआ है. दे विल नाउ ओपन द जॉब. वेन आई वॉज फ्लाइंग देर वॉर सो मेनी पीपल वर टेलिंग मी, मेरे पेरेंट्स को बोलते थे अरे लड़की आपको डर नहीं लगता कभी कुछ भी हो जाए. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस बताती थी. बरोडा फ्लाइंग क्लब जो है वो रेस कोर्स के रेस कोर्स आस पास में ही है उसके, तो वी यूज टू फ्लाई ओवर द हॉर्सेज और पता नहीं हम लोग बहुत ये सब काम करते थे. माय फादर यूज टू से कि अरे ऐसा सब कुछ मत करो. बट यंग, व्हेन यू आर यंग लाइक 18-19 यू कैन डू एनीथिंग. नाउ टुडे व्हेन माय सन सेज आई हैव डन दिस, आई टेल हिम कि नॉट टू डू सो मच, डोंट टेक रिस्क. So it happens. Baki, I did not have so much of problem. Women pilots are always appreciated, and they are people really help them. What do you want to do? They really help. So itna kuch problem nahi hai. But yes, agar main aaj ki baat karti hoon, see, hamare time mein bahut zyada discipline tha, bahut zyada discipline. इवन कोई भी सीनियर पायलट हो कुछ तो वी यूज टू लाइक अटेंशन में गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून. बट दीज डेज देयर इज नो रिस्पेक्ट. दे फाइट इन द कॉकपिट. उन लोगों के कुछ अफेयर्स भी होते हैं तो दे आर सो मेनी प्रॉब्लम. तो अभी थोड़ा ऐसा होने लगा है, दे डोंट रिस्पेक्ट सो मच टू ईच अदर. हमारे टाइम पे तो बल्कि बहुत अच्छा था, वी वर रिस्पेक्टिंग ईच अदर. So, इतनी प्रॉब्लम नहीं. अभी अभी आजकल का जो टाइम है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है. दे फाइट, इवन दे कम टू नो, दे फाइट करते करते वो बाहर केबिन तक आ जाते हैं. पैसेंजर उनको देखते हैं कि दे आर फाइटिंग, और पैसेंजर ऐसे हो जाते हैं कि दोनों पायलट आ गए, प्लेन कैसे अभी फ्लाई कर रहे हैं. अभी दैट टाइम 30 इयर्स बैक प्लेन वर्ड क्वाइट डिफरेंट, लाइक यू हैव टू विजिट विद इट. बट अभी तो ऐसा है कि यू जस्ट फीड एवरीथिंग एंड इज फ्लाइंग, इट्स वेरी इजी टू फ्लाइंग. यस यस या थैंक यू. अभी तनुजी के पास बात करते हैं. तनुजी, यू आर वेरी पॉपुलर फॉर टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ आईएएस कैंडिडेट्स. हमने बहुत वीडियोस आपके देखे हैं. किस तरह का प्रेशर रहता है कैंडिडेट्स के ऊपर? आई मीन एग्जाम क्लियर करना ज्यादा टफ होता है या फिर इंटरव्यू फेस करना ज्यादा टफ होता है? दोनों अपनी अपनी जगह टफ है. यू कैन नॉट चूज द डेविल. सो जब रिटन एग्जाम देना है तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी, और वो अपने आप में क्रैक करेंगे तभी इंटरव्यू देने मिलेगा. तो आई ऑलवेज से कि डोंट स्किप द रोप. जब तक कि आप मतलब पहले आपको प्रीलिम्स देना है तो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें, फिर मेंस की तैयारी करें, एंड देन यू कैन रीच इंटरव्यू. सो आई हैव सीन पीपल हु वांट टू स्ट्रेट अवे जंप टू इंटरव्यूज. के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है मैम? मैं कहती पहले प्रीलिम्स की तैयारी तो करो, मेंस की तो करो, फिर इंटरव्यू आएगा तब देखना. सो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. जब रिटन एग्जाम देना है तो आपको अपने राइटिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, इनके ऊपर फोकस करना है. और जब इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी है तब आपको अपने स्पीकिंग स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी आपका इम्प्रेशन आप दूसरे पे कैसा छोड़ते हैं जब आप बात कर रहे हैं, आप कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ सोच पा रहे हैं चीजों को, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, और किस तरीके से अपने आंसर्स को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं. सो एज अ चाइल्ड जनरली जितने भी हम कैंडिडेट्स जब कैंडिडेट वाली स्टेज में रहते हैं किसी एक ना एक फीचर के अंदर कहीं ना कहीं लैक हो जाता है. जैसे बच्चा बहुत अच्छा बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है. अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्म, एसर्टिव, स्ट्रांग है तो उसको आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है. वो ऐसे आंसर्स दे रहा है कि जो लंबे हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है. सो इस तरीके से देर आर वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल न्यूआंसेस जिनके ऊपर उसको ध्यान देना होता है. और जब आपको कोई इवैल्यूएट करता है, खास करके आपकी पर्सनैलिटी को, और सामने बैठकर इवैल्यूएट करता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि आपने आंसर लिख के दे दिया, उसने पीछे से कॉपी चेक करी एग्जामिनर ने,
सो यू डोंट नो द रिस्पॉन्स. आपके लिए इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपने एक बार आंसर लिख दिया, अब आपको नहीं पता उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो आपको बाद में पता चलेगा जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा. लेकिन इंटरव्यू में वो आपको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, वो आपसे सीधा सीधा सवाल करते हैं, तो yes. वो एक सिचुएशन है जिसके अंदर प्रेशर होता है. यस, आई हैव सीन कुछ इंटरव्यूज मैंने आपके देखे हैं. कैंडिडेट्स पूरी प्रिपरेशन के साथ में आते हैं और वो नर्वसनेस फील किया है. yes. नहीं, हम लोग भी नर्वस होते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि यार कहीं किसी को ज्यादा नर्वस ना कर दें. एक कैंडिडेट आता है, आप 3-4 लोग इंटरव्यू लेते तो वो अपीयरेंस से ही नर्वस हो जाते हैं. yes. ये तो सब जगह है प्रॉब्लम. इंटरव्यू में सब कुछ उससे पहले सब याद रहता है, इंटरव्यू आते ही सब एकदम नर्वस हो जाते हैं, अरे क्या याद किया था, सब भूल जाते हैं, उस समय जो मूड में आते हैं वही बोलते हैं. जी, अभी आप डिफेंस मिनिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे काम करी, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमें थोड़ा आप अपने काम के बारे में बताइए, आप वहाँ पे क्या काम कर रही हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी पोस्टिंग के हिसाब से चेंज होती रहती हैं और पोस्टिंग हर साल 2 साल के अंदर चेंज होती रहती है. सो आपको ये देखना पड़ता है कि जैसे अभी मेनली तो फाइल्स देखनी होती है हम लोगों को, जो फाइल्स हैं उनको इवेल्युएट करना, उनके प्रपोजल्स को देखना कि क्या वो सही है, मतलब क्या उसके उसको उस प्रोसीजर के हिसाब से किया जा सकता है. सो मेनली इट्स मोर अबाउट अ फाइल वर्क. इवेंट्स मैनेज करना, जो भी मिनिस्ट्रीज के गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं उनका देखना, स्कीम्स जो होती हैं उनके मैनेजमेंट को देखना. सो ऑल द यूजुअल स्टफ. ये डिपेंड करता है, जैसे आप डीआरडीओ में हो तो डीआरडीओ के आप देखोगे, आप एनडीसी में हो तो डिफेंस कॉलेज का देखोगे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर पोस्टिंग. सो यू कैन नॉट डिफाइन योर रोल, एवरी टाइम योर पोस्टिंग विल चेंज, योर रोल विल गेट चेंज्ड. ओके, फाइन तनु जी. ऋषिका जी, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के पद पे काम करते हुए कभी इस तरह से लगा कि हाँ वाकई में बहुत कुछ किया जा सकता है पब्लिक सर्विसेज में, अगर कोई सही कैंडिडेट इस पद पे चुन के आए तो बहुत सारी लोक सेवा की जा सकती है? ओह एब्सोल्युटली. इनफैक्ट वेदर इसमें आने के बाद नहीं, ये तो पहले भी, और जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है वो भी शायद ये देख सकते हैं कि देर इज सच अ बिग स्कोप टू डू सो मच फॉर द कंट्री, द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी, आर एनिमल्स, आर एनवायरमेंट, एवरीथिंग. बट डेफिनेटली आई वेरी 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 स्ट्रांगली फील दैट देर इज अ मैसिव स्पेस फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. बहुत यंगस्टर्स को अब इसमें आने की जरूरत है, अगर मैं स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ तो. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. जो हिसाब से हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, इन नो टाइम यू नो वी विल बी, वी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगर हम हमारे पावर्स को एकदम सही तरीके में लगाएं. तो डेफिनेटली मेरे भी लास्ट 3-4 साल सबसे ज्यादा मेहनत मैं इसी बात पे कर रही हूँ कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मोटिवेट कर सकूं और उन्हें दिखा सकूं बोथ द गुड एंड द बैड साइड्स ऑफ वेयर आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कम इन हियर एज वेल. बहुत सी एक सिंपल यू नो इट्स वेरी सिंपल इंसिडेंट, बट बेसिकली कितने समय तक आप बैठे बैठे कंप्लेन करते रहोगे या ब्लेम करते रहोगे उन्हें जो प्रशासन चला रहे हैं. देर इज गोइंग टू बी वन मोमेंट इन टाइम व्हेन यू नीड टू स्टेप अप एंड गेट इनटू इट एंड डू इट योरसेल्फ. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि कल आप उठो और डिसाइड करो और आप प्रधानमंत्री की पोजिशन पर बैठ जाओगे, पर जैसे छोटे छोटे वे में आप जिस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज वॉट इज रियली गोइंग टू काउंट द मोस्ट. सो आई डेफिनेटली थ्रू योर प्लेटफॉर्म पिंकी जी, आपके सपोर्ट के साथ मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि द मोर एंड मोर नंबर ऑफ यंग मैन एंड वुमेन ज्वाइन दिस फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और द पेरिफेरल फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, हमारा ही फ्यूचर बेटर होने वाला है.
आप बाकियों की भी बात छोड़ दो, बस सेल्फिशली भी देख लो तो आपको अगले 50 साल इस कंट्री में बिताने हैं, और अगर वो 50 साल आपको अनोखे अच्छे बिताने हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत शायद आपको भी इस देश के लिए करनी पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि स्पेशली वीमेन के लिए इस फील्ड में कितना स्कोप है। आपने बोला कि हर किसी को यहाँ पे आके फील्ड वर्क पे अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, तो यहाँ से आज इस शर्मा फाउंडेशन के फेसबुक पेज के प्लेटफॉर्म से आप हमारे वीमेन वीवर्स को क्या इंस्पिरेशन देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है कि वो भी आए आगे बढ़े और इस फील्ड में किस तरह से जुड़े, क्या स्कोप है आगे? बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है अवेलेबल वीमेन के लिए आज पॉलिटिकल फील्ड में। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर, व्हिच आई आल्सो वाज नॉट अवेयर, बट बेसिकली हमारे गवर्नमेंट ने आई थिंक 2004 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब पंचायत राज और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में 50% आरक्षण दिया गया था महिलाओं के लिए, विच मीन्स अगर जैसे भिवंडी ले लें, हम 90 नगर सेवक हैं तो 90 में से 45 सीट्स रिजर्व्ड हैं खाली विमेन कैंडिडेट्स के लिए। एंड देर इज नो डाउट, आई वेरी प्राउडली स्टैंड एंड से दैट उसी विमेन सीट से मैं लड़कर चुनकर आई हूँ, पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनाई गई हैं हम जैसे लोगों के लिए जो आगे आकर इस फील्ड में अपना नामो निशान बनाने की एक कोशिश कर सके। एंड मैं ये जरूर आपको, आप मतलब आप सभी मेरे से सहमत भी रहोगे कि हमारी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इंडिया में विमेन का हो चुका है, वी आर एट 49 point something, सो हमारी आधी आबादी है, पर हमें रिप्रेजेंट करने वाले अगर इतने ना हो गवर्नमेंट में तो कैसे पता चलेगा कि विमेन की क्या प्रॉब्लम्स है, विमेन की क्या रिक्वायरमेंट्स है और विमेन को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। तो डेफिनेटली वी सिट इन द कॉर्पोरेशन एज वेल, एंड इफ एनी टॉपिक इज बीइंग स्पोकन अबाउट, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन दैट कम्स फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल, दैट इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट इन डेमोक्रेसी। सो विमेन आउट देयर, देयर इज मैसिव स्पेस, हम जो सोचते हैं और सुनते हैं कि हर फील्ड कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि विमेन ही विमेन को पुल डाउन कर रही है, ये एक फील्ड है जहां मैंने देखा है कि आज तक मैं जिस महिला से मिली हूँ पॉलिटिकल फील्ड में, उसने ओनली मुझे ओपनली सपोर्ट किया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। विमेन हियर आर वेरी सपोर्टिव, वेरी आउट देयर, और वो चाहती है कि और महिलाएं आए ताकि बड़ी बड़ी सभा में हमें अकेले अकेले ना बैठना पड़े। यस डेफिनेटली निशिका जी, एंड वी आर रियली ग्लेड यू आर, बेस्ट विशेज, यू ग्रो मोर एंड मोर। हम अभी बेला जी के पास भी सेम बात करना चाह रहे हैं। बेला जी, एज अ लेडी पायलट, आप इस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखती हैं आजकल वीमेन की, कि लेडी पायलट के लिए क्या क्या स्कोप है? जी, जिस तरह से मेल पायलट का है इसको, सेम देयर आर मेनी वुमेन पायलट नाउ, मेनी, इट्स अ होल क्रू दे टेक फ्लाइट्स, तो इसमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि ये लेडी है कि मेल है, दोनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। ओनली अभी ऐसा हो गया, अभी तो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम वुमेन पायलट इंडिया में ही है पूरे वर्ल्ड में। And they are doing so well, they are doing very well. At the same time, only that abhi aisa ho raha hai ki everybody wants to become a pilot. So there are many and itne aircraft nahi hai ki unko job mile. So they are just sitting. Abhi 2018 ka batch bhi aise hi baitha hua hai. They are not having the job. Abhi jo जेट एयरलाइन का हुआ, उसके बाद में देवर सो मेनी जॉबलेस, लाइक अबाउट 1 lakh के करीब वो लोग जॉबलेस हो गए थे। सो हु दे आर गुड पायलट, लाइक दे आर फ्लाइंग 777, हु दे आर फ्लाइंग बिग एयरक्राफ्ट, दे गॉट द जॉब इन इवन इन फॉरेन एयरलाइन, सम देर मेनी एयरलाइंस दे आर ज्वाइनिंग, but some of them are sitting.
अभी ऐसा हो रहा है कि जब एयरलाइन पूरी तरह से खुल जाएगी तो दे विल टेक ऑल एक्सपीरियंस पायलट। तो ये जो 19 के जो बच्चे हैं ये लोग फिर भी बैठे रहेंगे 2 more years। तो नाउ इट्स क्राउडेड, इज एवरीबडी वॉन्ट्स टू दो, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, इट टेक्स लॉट ऑफ मनी टू लर्न इट, बट देन दे आर सो मैनी पायलट, दे गो टू अब्रॉड लाइक US जाते हैं, न्यूजीलैंड, जैसे मेरा माई सन वॉज ऑल्सो इन न्यूजीलैंड। तो फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि 1 year में वो लोग एकदम डेट देते हैं, सपोज 6 अप्रैल, 6 अप्रैल टू 6 अप्रैल, और उसमें वो खत्म करवा देते हैं। तो वहां से जल्दी जल्दी आ जाते हैं फ्लाइंग करके वो लोग। तो ऐसे बहुत हैं अभी, और जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सबको। लेट्स सी अभी हो रहा है कि इंडिगो काफी अपने प्लेन लेके आ रही है, तो देखते हैं। अभी इसमें जेंट्स और लेडीज का कुछ भी नहीं है, लेडीज आर मोर इन दिस फील्ड नाउ। यस तो मतलब जी, कहने का यही है कि इसमें ऐसा है नहीं कि लड़की है लड़का, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, जो जो अच्छा करेगा उसको जॉब मिलेगा। दिस इज फेयरली जेंडर इक्वेलिटी, लड़के लड़कियां यस कोई भी आगे आ सकते हैं सेम सेम फील्ड में। नहीं, मुझे यस यस बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, शायद तनुजी आपके उधर से आ रहा है। हो सकता है मेरे यहाँ से आए, अभी वो नमाज हो रही है पीछे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी पीछे की तरफ मस्जिद है, ओके, तो सुबह तनुजी शाम। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव कि किस तरह से अपने आप को और ज्यादा एम्पावर कर सके विमेन, और सिविल सर्विसेज में विमेन किस तरह से आगे आ सकती हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं यहाँ से? तनुजी कैन यू हियर मी? तनुजी सम नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, तब तक बेला जी आपसे एक और बात कर लेते हैं। बेला हाँ जी, जी, ये जॉब क्विट करने की बात में अभी आप करंटली क्या काम कर रही हैं? जॉब के बाद है, मुझे ऐसा बैठा तो नहीं जा रहा था, बिकॉज आई नेवर सेट एट होम, आई एम नॉट मेड फॉर किचन एट ऑल। सो माय अंकल ही इज अ वेरी वेरी बिग फैब्रिकेटर, आई कैन से ही इज मेकिंग, नर्मदा का जो गेट बना था ही मेड, ही इज मेकिंग, ही इज वर्किंग फॉर BHEL ऑल्सो, एंड ही इज डूइंग ऑल हैवी जॉब्स। सो आई वॉज इंस्पायर्ड विद हिम, बाय हिम, तो मैंने भी अपना एक छोटा सा यूनिट फैब्रिकेशन का शुरू किया, जो मैंने अभी बताया कि मेरे को सब लोग बोलते थे कि अरे मैम आप क्यों कर रहे हो ये काम, ये तो लड़कों का है, एक्चुअली इट्स अ मेल ओरिएंटेड वर्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हैवी हैवी स्टील्स होती हैं, काफी सारी चीजें होती है। मैं सिर्फ उनको बताती थी कि ऐसे करना है ऐसे करना है, डिजाइन आई यूज टू मेक डिजाइन, तो वो लोग फॉलो करते थे, बट समहाउ वो हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि वी हैड लैंड प्रॉब्लम, सो हमने बंद कर दिया। तो नाउ नाउ वी आर इन टू फ्रेश एंड फ्रोजन फूड विच पीपल आर लाइकिंग, एंड आई हैव अ टीम, दे मेक फ्रोजन फूड एंड फ्रेश, आई टेल देम टू मेक, हाउ टू मेक इट एंड ऑल दैट। सो आई एंजॉय ऑल माई प्रोफेशन, आई एंजॉय फैब्रिकेशन ऑल्सो, आई एंजॉय दिस, आई एम एंजॉइंग दिस ऑल्सो, एंड इट्स नेम ऑफ टेस्टी ट्रीट, बाय द नेम ऑफ टेस्टी ट्रीट वी आर जस्ट जी स्टार्टेड दिस। एंड एक्चुअली लॉकडाउन, दिस इंस्पायर मी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, देर आर सो मैनी सीनियर सिटीजन हु आर नॉट एबल टू मेक फूड, सो आई यूज टू सप्लाई देम ऐसी। यू आर राइट, डेफिनेटली लॉकडाउन गिव अपॉर्चुनिटीज टू मैनी पीपल।
हाँ तो हमने उनको थोड़ा ऐसे ही सप्लाई करना शुरू किया लाइक विदाउट एनी टेकिंग मनी फ्रॉम देम. एंड समाउ यू नो दे वर सेइंग कि अरे ये बहुत अच्छा था वो बहुत अच्छा, तो सरप्राइज कि अरे मैं बना सकती हूँ क्या अच्छा. सो दैट्स हाउ एवरीवन सेइंग कि अरे बेटा वो स्नैक बहुत अच्छा था. तो ऐसा हुआ कि चलो ठीक है ये भी शुरू कर सकते हैं हम लोग. बिकॉज लॉकडाउन में सबकी प्रॉब्लम तो थी, बिजनेस तो सबके, माई स्टोर वॉज क्लोज, एवरीथिंग वॉज क्लोज. सो एवरी वन सफर्ड दिस लॉकडाउन पीरियड. एंड यू नो एयरलाइंस में क्या है कि वेन समवन इज लर्निंग फ्लाइंग एयरलाइंस में ना जॉब, देर इज नो जॉब गारंटी. दैट इज वाई यू नेवर गेट लोन. यू कैन गेट अ लोन फॉर अ डॉक्टर बट नॉट फॉर अ पायलट बिकॉज देर इज नो जॉब गारंटी. सो दे डोंट गिव लोन. तो हमारे साथ में यही प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज माई सन वॉज फ्लाइंग एंड माई अदर सन इज ऑर्थोपेडिक सर्जन. उसका अभी लास्ट लास्ट 2-3 मंथ्स इज देयर. तो वी कैन नॉट गिव लाइक वी कैन नॉट स्पेंड सडनली 3 to 4 crores. वी नीड सम लोन. तो उसके लिए जो लोन लिया हुआ था वो उसकी प्रॉब्लम तो होती है. बैंक ने थोड़ा सा टाइम दिया कि ठीक है आप नहीं 6 months ठीक है यू डोंट पे बट वी हैव टू पे देन डबल. व्हेन वी आर पेइंग वी हैव टू पे डबल. सो लॉकडाउन का बहुत प्रॉब्लम तो हुआ ही है सबको. यस बेला जी, तनु जी शायद हमारे साथ अभी नेटवर्क नहीं उनका मिल पा रहा है, तो वी विल टॉक टॉक अ लेटर. एंड थैंक यू सो मच तनु जी, बेला जी एंड ऋषिका जी फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड शेयरिंग योर वर्क एक्सपीरियंस हियर. इट्स बीन अ वंडरफुल टाइम विद यू एंड सच अ इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन टुडे. I will I tell all girls, you know, not to just chase your dream. If you have some dream, chase it. Chase it. Just run after it. It will happen. If it does not happen, then it means this is not for you. You can think for some other. And अपने आप को छोटा मत समझो कोई भी, है ना. क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं. कोई भी. They should think about it. Anything we can do, ना. Like household work, outside work, we can do anything. Now I've seen in COVID, there were so many ladies who never done outside work. But in COVID, husband is not earning, so they are coming out, they are making food and for anything. You know, they have started. I definitely agree with you. Yes. So I will, my message to every woman, every girl. You never never keep your all keep your hopes high always. You can do whatever you want to, just you know. और एक्चुअली ना वुमेन तो शुरू से पावर में है. अपने अगर हम लोग हिस्ट्री चेक करते हैं तो देर आर सो मेनी वुमेन, दे हैव डन सो मेनी थिंग लाइक लक्ष्मी बाई एंड ऑल दैट. तो लेकिन उनको जगाने की जरूरत है कि यस यू हैव दिस पावर. आई हैव वन इंसिडेंट व्हेन आई वाज लर्निंग फ्लाइंग. सो यू नो लाइक आई हैड अ गोल कि इन 10 आवर्स आई विल गेट सोलो. सोलो मीन्स कि दैट डे यू फ्लाई अलोन, देयर इज नो वन विद यू. सो आई वाज थिंकिंग कि नहीं मुझे 10 आवर्स में मिलना चाहिए. बट 10 आवर्स में मुझे ऐसा कुछ साइन मेरे ट्रेनर ने दिया नहीं कि आई आई कैन फ्लाई अलोन. So I just told myself कि this is a machine, you have to handle it. Why can't you do it? And then I did it. Then I thought it's a machine. This I have to handle. She cannot do anything by herself. So that's how I'm saying कि like you should have confidence in you. You will never fail in your career. Discipline and patience and you have to have a goals in your hand. नहीं, इतना we have to do it. यस डेफिनेटली. थैंक यू बेला जी. आज हमारे सारे व्यूवर्स को ये बात कर रहे हैं, हमने आज विमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें की हैं और द एसेंस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज
आज महिलाएं देश की राजनीति, प्रशासन तंत्र, सुरक्षा तंत्र, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बस जरूरत है समाज और देश को उनको सुअवसर देने की। वो हर जगह, हर मुकाम पे देश को कंट्रीब्यूट कर रही है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आज आप लोगों की वर्क एक्सपीरियंस सुन के बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। I'm so honored, you know, I'm so honored and really enjoyed this chat. Like you gave me this platform to talk about it, and I'm very honored. Bela ji, we are extremely honored to have you here. Rishika ji, thank you very much. Thank you, Bela ji. Thank you so much. Thank you, Rishika. Thank you. Sometimes we can do a personal chat also. Yeah. Thank you, Prana Foundation. Yeah. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Nice meeting you all. Nice chatting with you all. Same here.